हाँ जी दोस्तों, तो अब थोड़ा सा टेस्ट टाइम शुरू होता है आपका। कुछ यहाँ पे 14 एमसीक्यूज हैं जो फटाफट से हमें रैप अप करने हैं, विद लॉजिक, विद कॉन्सेप्ट, विद सेक्शन, जहां जहां पे सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। और आपको बेस्ट तरीके से पहले खुद से सोचना है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, ताकि आपकी प्रॉपर एक रिवीजन वाली फील आनी चाहिए। इसके अंदर मोटा मोटा आपको पूरा पूरा रिवाइज हो जाएगा, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो केस स्टडी के अंदर रिवाइज हो जाएगा हमारा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि कुछ बेसिक, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, जो कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन से इवॉल्व नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज, सब्सक्राइब कैपिटल जो होता है वो नेवर मोर देन इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। नेवर लेस देन इशूड कैपिटल से कभी भी कम नहीं हो सकता। ऑलवेज इक्वल टू इशूड कैपिटल, जितना इशूड होगा उतना ही सब्सक्राइब होगा। प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ इशूड कैपिटल, की कुछ परसेंटेज प्रिस्क्राइब है कि इशूड कैपिटल का इतना परसेंटेज आपका सब्सक्राइब होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या है। नॉर्मल है कि हमारा सबसे ऊपर होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसका कुछ पार्ट है जो हम इशू कर सकते हैं, और हो सकता है कि पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो जाए या उससे कम सब्सक्राइब हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे ज्यादा, उसका ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता। जितना हम इशू करना चाहेंगे उससे ज्यादा सब्सक्राइब तो हो ही नहीं सकता। ये कहते हैं कि ऑलवेज इक्वल है तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि जितना इशू करने जाएंगे हमेशा उतना ही सब्सक्राइब हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सब्सक्रिप्शन उससे कम की भी आ सकती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि नेवर मोर देन इशूड कैपिटल, ये आपका बेस्ट आंसर है कि कभी भी इशूड से ज्यादा तो नहीं होगा। तो आंसर ए जो है इसका, दिस इज करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, अ कंपनी में कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक। सेक्शन बताओ फटाफट से कि कब ऐसी कन्वर्जन वाली बात हुई थी, किस सेक्शन में ऐसी चर्चा हुई थी। तो आपको याद आना चाहिए कि ऐसी कुछ बात हुई थी अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर, सेक्शन नंबर 61, सब सेक्शन नंबर 1, और उसका क्लॉज था आपका सी, थर्ड क्लॉज था बेसिकली सी क्लॉज, जिसके अंदर बात हुई थी कि फुल्ली पेड शेयर्स को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो रेफरेंस आपको पता लग गया। नाउ ऑप्शंस देखते हैं। बाईपासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, क्या इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, क्या अप्रूवल चाहिए ट्राइब्यूनल का, या सब कुछ चाहिए। तो ये बहुत एक नॉर्मल एक्टिविटी है, तो दिस इज कैन बी डन बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। आपने पढ़ा एक चीज और ध्यान रखना कि जहां पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लिखा, दैट मींस व्हाट, कि वहां ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी टॉपिक के अंदर ये कहा गया है कि भैया अप्रूव्ड होना चाहिए वगैरह वगैरह, इस टाइप की कोई बातें, स्पेशल रेजोल्यूशन शब्द का प्रयोग नहीं है, या सिंपल रेजोल्यूशन लिखा है, दैट ऑल्सो मीन्स कि वो क्या है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। स्पेशल रेजोल्यूशन होगा तो वो स्पेशली लिखा होगा, सिंपल ना। थर्ड क्वेश्चन आपके पास आता है, पार्ट ऑफ कैपिटल For which application have been received from the public and shares allotted to them? मतलब कि वो पार्ट ऑफ कैपिटल जिसकी हमारे पास एप्लीकेशन आ गई और उनको शेयर्स अलॉट कर दिए गए, उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, इशूड कैपिटल कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, या कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। तो आपके लिए कंफ्यूजन जो मेरे ख्याल से वो दो जगह पे आएगी, बी या सी, की इशूड कहते हैं भैया जिसका हमारे पास एप्लीकेशन आ गया, हमने शेयर्स उनको अलॉट कर दिए, एंड नंबर 2 सब्सक्राइब कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, इशूड नहीं कहते। इशूड इज मोर देन सब्सक्राइब, हो सकता है ऐसा कि इशूड अलग हो सब्सक्राइब अलग हो, हमने इशू कितना करना चाहा उसमें सब्सक्राइब कितना हुआ। फर्दर हम अलॉट किसको करेंगे, सेकंड वर्ड देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था, एंड शेयर्स अलॉटेड टू देम, मतलब एप्लीकेशन आया और शेयर्स हमने अलॉट किया। हो सकता है हमें इशू करना था लाख, एप्लीकेशन आए सिर्फ 80,000 के, तो क्या आप लाख को अलॉट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मतलब अलॉट भी किसको कर पाएंगे, जितना आपके पास एप्लीकेशन आई होगी, और जो आप अलॉट करोगे दैट इज योर सब्सक्राइब, मतलब जिन्होंने आपके एप्लीकेशन को सब्सक्राइब किया उन्हीं को अलॉट कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या क्रिएट होगा, सब्सक्राइब कैपिटल। इजी था, कोई खास नहीं। फोर्थ आता है आपका पॉइंट, शेयर्स विच आर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन। सबसे पहले सेक्शन बताओ, ऐसे चीज को क्या बोलते हैं जो कि कंपनी इशू करती है अपने डायरेक्टर से एम्प्लॉय को, इसको किस कॉन्सेप्ट के अंदर मेजर किया जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो आंसर भी इजिली दिख रहा है, आंसर नंबर सी है जो इसका आंसर है। सेक्शन बताया फटाफट से, स्वेट इक्विटी शेयर्स का कौन सा सेक्शन था, स्वेट इक्विटी शेयर्स का सेक्शन था आपका सेक्शन नंबर 54, ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 54, इसकी चर्चा बार बार आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी स्टेट्स दैट इट विल इशू प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच विल हैव प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड ओनली बट नो प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कैन इट इशू सच प्रेफरेंस शेयर्स, क्या इस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती हैं। एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ध्यान देना इसके ऊपर, स्टेट्स दैट कि भैया ऐसा ऐसा हम एक प्रेफरेंस देंगे, दूसरा प्रेफरेंस नहीं देंगे, मतलब डिविडेंड का प्रेफरेंस देंगे लेकिन रीपेमेंट का प्रेफरेंस हम नहीं देंगे। ऐसा वो करना चाह रही है अपने, उसके आर्टिकल के अंदर उन्होंने लिख दिया। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, तो इस ऑप्शन से आपको वैसे सेक्शन दिख जाएगा, तो इसलिए सेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, सेक्शन 43 इसके ऊपर लगता है। अब 43 के अकॉर्डिंग देखो, आपको ध्यान देना है कि नो एज पर सेक्शन 43 प्रेफरेंस शेयर्स शुड हैव बोथ प्रेफरेंस, कह रहा है कि भैया 43 के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स को दोनों प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, आपको ध्यान हो तो ऐसा ही था। Now, no, it will become equity shares as per section number 43। भैया ये equity share हो जाएगा 43 के हिसाब से, ध्यान देना, पता नहीं था नहीं था। Yes, because as per section 43 preference shares should have one, कह रहा 43 के हिसाब से भैया एक ही प्रेफरेंस होनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। Yes, because AOA allows allow issue of such preference share and it is a private company। ध्यान दो अब इसके अंदर, आपको अगर ध्यान हो कि 43 जो सेक्शन है वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगता ही नहीं है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो फुटनोट में हमने ये चीज पढ़ी थी कि सेक्शन 43 जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होता किसके ऊपर, प्राइवेट कंपनी के ऊपर। ये जो सेक्शन है मतलब इसकी जगह पे जो ये सारी चीजें हैं वो किससे काम चला लेते हैं, अपने एओए और एमओए से काम चला लेते हैं। मतलब उनके एओए और एमओए के अंदर जो बातें लिखी होंगी वही आपकी काम चल जाती है, उसी के जो प्रोविजन होंगे उसको ही फॉलो किया जाता है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में अगर चाहे कंपनी अपने एओए के अंदर अगर मेंशन कर दें कि हम आपको एक प्रेफरेंस देंगे दूसरा प्रेफरेंस नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई इसके अंदर गलत नहीं है। तो आंसर आपका डी सही है, येस, बिकॉज एओए अलाउज इशू ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर। एओए ने अलाउ कर दिया तो भैया कर रहे हैं उस हिसाब से, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। एंड इट इज अ प्राइवेट कंपनी, इट इज अ प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो जिसको आप रिलेट कर रहे हो सेक्शन नंबर 43 से वो एप्लीकेबल ही नहीं होता इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, कंपनी इशू 10% डिविडेंड शेयर्स विद राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट एवरी ईयर। कह रहा है भैया 10% डिविडेंड शेयर इन्होंने इशू किया और साथ ही में राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस, अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन का राइट भी दिया गया। दो दी शेयर्स डज नॉट हैव प्रेफरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बट दे हैव प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड। कह रहा है जी भैया रीपेमेंट की प्रेफरेंस नहीं है लेकिन अरियर ऑफ डिविडेंड का जो है उसका प्रेफरेंस मिलेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पे। दी शेयर्स आर, ऐसे शेयर्स को क्या बोलेंगे, तो सिंपल है आपका इक्विटी शेयर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर्स ये है नहीं, वोटिंग राइट की यहाँ पे बात कर नहीं रहा, इक्विटी शेयर्स की सिंपल सी बात कर रहा है। 10% डिविडेंड शेयर्स है मतलब यहाँ पे डिविडेंड की कंफर्मेशन दी गई है। मैंने आपको बताया था क्लास ऑफ शेयर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं, यहाँ पे ये कंफर्म कर दिया गया इस टाइप के शेयर्स को भी तुम्हें 10% डिविडेंड मिलेगा, साथ ही में राइट मिलेगा कि अगर कुछ सरप्लस और बच जाता है तो उसके अंदर भी तुम्हें शेयर मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि भैया रीपेमेंट की कोई खास बात नहीं कर रहे बट अगर कुछ भी पेमेंट आपका अरियर रह जाएगा डिविडेंड पोर्शन का तो एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप दे देंगे। तो ये जनरल था आपका, बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है क्वेश्चन को बट आंसर इज सिंपल, इक्विटी शेयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, एओए ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल स्टेट दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल हैव राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन। कह रहा है भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो सभी रेजोल्यूशन पे वोट कर सकता है, ऐसा एओए कहती है कंपनी की। कैन दिस कंपनी इशू सच प्रेफरेंस शेयर, क्या ये कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है? पहला ऑप्शन आया नो, क्योंकि जो सेक्शन 6 है वो मना करता है जी। अब सेक्शन 6 आप याद करो क्या था, सेक्शन 6 आपने पढ़ा था जो बात करता था कि एक्ट ओवर राइट्स एओए एमओए एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि भैया एक्ट के पास पावर है, एक्ट के बियॉन्ड जाके आप एओए नहीं बना सकते, एमओए नहीं बना सकते, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है भैया नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ऐसा सेक्शन नंबर 6 मना करता है, भैया एओए की नहीं चलेगी, यहाँ पे एक्ट की चलेगी। ओके, दूसरा नो बिकॉज गारंटी कंपनी कांट इशू प्रेफरेंस शेयर्स, कह रहा है गारंटी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, ये भी कुछ अलग सी कहानी थी। नेक्स्ट कह रहा है यस बिकॉज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 आर एप्लीकेबल ओनली ऑन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कह रहा है जी कर सकता है क्योंकि जो प्रोविजन है वो ओनली ऑन लिमिटेड बाय शेयर्स वाले कंपनी पे ही एप्लीकेबल होता है सेक्शन 47 का। नेक्स्ट कह रहा है यस बिकॉज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 आर एप्लीकेबल टू गारंटी कंपनी सब्जेक्ट टू एमओए। अब आपको ध्यान देना यहाँ पे क्या है कि जब आपने सेक्शन नंबर 47 पढ़ा तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 47 किस किस के ऊपर लगता है, तो ज्यादातर सेक्शन जो है वो उन्हीं के ऊपर लगते हैं जो कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं। कुछ एक सेक्शन में आपने देखा जहां पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के ऊपर भी लगा, साथ ही में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल पे भी लगा, बट बहुत रेयर सेक्शन है। मेजर सेक्शन जो है वो सारे लगते हैं किसके ऊपर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के ऊपर। तो इस अकॉर्डिंग आपका सी पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा, भैया कंपनी जो है उनके एओए उन्होंने लिख दिया। आप कंपनी देखो कैसी है, तो एओए आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। अब भैया उनकी जो कंपनी की क्लासिफिकेशन है वही अलग है, और आपका 47 जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर राइट के ऊपर बात करता है, वोटिंग राइट के ऊपर बात करता है। वोटिंग राइट का सेक्शन बताओ क्या था, वोटिंग राइट का सेक्शन बता दो चलो फटाफट से, वोट की बात हो रही है। वोटिंग राइट का सेक्शन क्या था, सेक्शन नंबर 47। तो 47 जो वोटिंग राइट का आपका सेक्शन था वो बेसिकली क्या कह रहा था कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स को वोट करने का मौका मिलेगा लेकिन कुछ ही जगहों पे मिलेगा। ये कह रहे जी हम सब पे देंगे, तो दे दो जी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको तो 47 लगता ही नहीं, तो आप 47 वायलेट नहीं कर रहे, क्योंकि 47 आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं है। वो किस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। तो थर्ड पॉइंट सही है कि कंपनी ऐसा कर सकती है, क्यों, क्योंकि भैया 47 जो है वो सिर्फ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पे लगता है, और ये जो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सॉरी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। 8th पॉइंट आता है आपका, 8th सवाल, अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज टू बी हेल्ड ऑन 30th अप्रैल 2020। एक जनरल मीटिंग हुई 30 अप्रैल 2020 को। द कंपनी हैज नॉट पेड डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2019, कंपनी डिविडेंड पे नहीं किया, एंड आल्सो इट हैज नॉट येट पेड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 2020। कह रहे जी भैया ना 2019 का दिया ना 2020 का डिविडेंड दिया, 30 अप्रैल आ गया, 30 अप्रैल मतलब तीसरा साल हो गया एक तरीके से ना, मार्च 2020 में एक साल खत्म हुआ, मार्च 2019 में एक साल खत्म हुआ, 2 साल खत्म हो गए। 30 अप्रैल को इनकी मीटिंग हुई है। आर्टिकल डज नॉट स्पेसिफाई एनी लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आर्टिकल में नहीं लिखा कि भैया डिविडेंड कब दिया जाएगा, उसके ऊपर भी कोई लास्ट डेट नहीं है। इन दिस केस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इस सिनेरियो में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो पहला पॉइंट कहता है विल नॉट हैव राइट टू वोट, इनके पास वोट करने का राइट नहीं है बिकॉज डिविडेंड फॉर ओनली लास्ट वन ईयर हैज नॉट येट पेड, अब ये एक साल का डिविडेंड नहीं मिला तो इनके पास राइट टू वोट नहीं है। विल हैव राइट टू वोट बिकॉज डिविडेंड फॉर लास्ट टू ईयर्स हैव नॉट बीन पेड, मतलब कि दो साल का डिविडेंड नहीं मिला तो इनके पास राइट टू वोट है। विल नॉट हैव राइट टू वोट बिकॉज ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन वोट इन जनरल मीटिंग, कह रहा भाई इक्विटी शेयर ही वोट कर सकते हैं तो इनके पास राइट नहीं है वोट करने का। विल हैव राइट टू वोट बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव राइट टू वोट इन जनरल मीटिंग, कह रहा है जी प्रेफरेंस शेयर का राइट होता है वोटिंग वोट करने का जनरल मीटिंग के अंदर। तो आप बताओ इसके अंदर सही कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपने याद आ रहा होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ध्यान करो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या कहा। अगेन ये वोटिंग के ऊपर है, वोटिंग के ऊपर मतलब सेक्शन कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है 47 ही लग रहा है, सेक्शन नंबर 47 के रेफरेंस में आपको ध्यान देना है कि 47 के अंदर आपने पढ़ा था कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो सभी चीजों पे वोट नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनको 2 साल तक डिविडेंड ना मिले तो वो फिर वो वोट कर सकते हैं सभी मैटर्स के ऊपर। तो वही यहाँ पे लग जाएगा, पहला साल खत्म हुआ आपका, एक साल नहीं हुआ है 2 साल हो चुके हैं, 1 मार्च 19 में खत्म हुआ, 1 मार्च 20 में खत्म हुआ, ये अप्रैल 20 की मीटिंग की बात हो रही है, तो 2 साल बीत चुके हैं। तो अप्रैल 20 की मीटिंग के अंदर उनके पास राइट है वोट करने का, क्यों? क्योंकि वो 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिला हुआ है, तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ चेंज ऑफ राइट ऑफ वन क्लास आल्सो अफेक्ट द राइट ऑफ अदर क्लास देन, अगर एक की राइट में चेंज किया और उससे दूसरी क्लास में भी फर्क पड़ेगा तो क्या होगा। पहले तो बताओ ऐसी बात कहां पे थी, किस सेक्शन में बात थी, तो आपको ध्यान आना चाहिए वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट नाम का एक सेक्शन था, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट नाम का एक सेक्शन था, वोटिंग राइट के जस्ट बाद आता था सेक्शन नंबर 48। उस सेक्शन के अंदर आपने क्या देखा था कि अगर हम वेरिएशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो अगर उसी क्लास के अंदर है तो उसकी मेजोरिटी की वोटिंग ले लो, मतलब 3/4 की वोटिंग ले लो, बट अगर उसको अफेक्ट पड़ेगा किसी और क्लास के अंदर भी तो उस क्लास के भी 3/4 लोग एग्री होने चाहिए, तभी जाके आप वो चेंजेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ऑप्शन देखते हैं, अ रेजोल्यूशन शुड हैव पास्ड इन जनरल मीटिंग, इन दिस केस रेजोल्यूशन पास किया गया, कंपनी नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स, कंपनी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, कंसिडर ऑफ 3/4 मेजोरिटी ऑफ That other class should also be obtained, उस other class का भी 3/4 majority की आपको consent लेनी पड़ेगी। A resolution is combined meeting for both class should be passed, तो दोनों क्लास के लिए हमने combined resolution पास कर दिया, तो obviously बात है C आंसर इसका परफेक्ट है कि आपको consent लेना पड़ेगा उनके लिए भी, उस other class के भी majority से जिनको अफेक्ट हो रहा है। Now next आता है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन नंबर 54। ओके, क्या कह रहा है कि कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अच्छा, नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे रखे हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा जी, कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस द इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये तो उसने पूरी स्कीम ही नहीं बता दी, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा ऑप्शन ठीक है यहाँ पे, स्पेशल रेजोल्यूशन बिल्कुल सही बात है, डिस्काउंट कितना मर्जी चाहे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है जी 54 के अंदर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है 54 सेक्शन के अंदर। तो आपका सी पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है ना, तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, तो सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ 11th, राजेश इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी वांट्स टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड मोर देन 20 इयर्स टू फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रही है 20 साल से ज्यादा के लिए, तो आपको पता है जनरल लाइफ कितनी होती है 20 साल की होती है, लेकिन 20 साल से ज्यादा कर सकते हैं इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बताओ किस सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ था। तो प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन कौन सा था, सेक्शन नंबर जहाँ पे इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है वो सेक्शन किसमें डील होता है, सेक्शन नंबर 55। तो ठीक है 55 के अकॉर्डिंग आपने क्या देखा था कि नॉर्मल कंपनी 20 साल पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चाहे तो 30 साल तक भी इशू कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए छूट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट कंपनी कैन डू सो, क्या कर सकती है, तो यस कंपनी कैन इशू इररिडीमेबल, भैया रिडीम ही नहीं होना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रिडीमेबल कर सकती है, कहता है झूठ कह रहा है, गलत कह रहा है। यस कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 20 इयर्स विद अ प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लेके कर सकते हैं, ये भी झूठ कह रहा है। यस कंपनी कैन इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इररिडीमेबल इशू कर सकते हैं, इररिडीमेबल का तो सवाल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। अगला, यस कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर अ पीरियड अप टू 30 इयर्स, 30 साल तक हम कर सकते हैं, परफेक्ट आंसर, तो ये आपका इसका सही कथन है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन आता है इफ अ कंपनी हैव ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख, ऑथराइज्ड 6 है, पेड अप 5 है, लॉन्ग लोन फ्रॉम गवर्नमेंट है 2 लाख रुपए, इसका गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि कंपनी कन्वर्ट करे अपने लोन को शेयर्स के अंदर, इन केस सच ऑर्डर हैज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, इससे क्या होगा। तो पहले तो बात करो ऐसी बात होती कहां थी, किस सेक्शन से उठाया है ये क्वेश्चन, किस सेक्शन से उठाया, ध्यान करो कि ऐसी बात किस सेक्शन में होती थी, आपको याद आना चाहिए राइट शेयर्स के ऊपर था, राइट इशू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ऊपर, कौन सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 62। तो 62 वाले सेक्शन के अंदर क्या बात की गई थी कि आपने शुरू के 2 पॉइंट देखे थे कि राइट इशू फर्स्ट पॉइंट के अंदर 3 लोग आए थे, 3 लोगों कर सकते हैं, फिर सेकंड पॉइंट था, फिर थर्ड पॉइंट एक्सेप्शन का आया था, फोर्थ पॉइंट गवर्नमेंट का आया था, और इसको लेके सिक्स्थ पॉइंट एक और था कि भैया जब गवर्नमेंट का अगेंस्ट गवर्नमेंट चाहे तो अपने लोन को क्या कर सकती है, वो आपके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकती है, इवन दो कि लोन के टाइम पे वो टर्म्स ना रही हो इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है अगर गवर्नमेंट का लोन है तो। ठीक है, ये आपने देखा था। फिर आपने देखा था कि आप अपील कर सकते हो, लेकिन अपील तो कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपील के बाद भी क्या था कि चाहे तो ट्राइब्यूनल उसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, जो भी होगा, अगर फाइनल ऑर्डर आपके अगेंस्ट आया है तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर से ये मान लिया जाएगा कि आपकी ऑथराइज कैपिटल जो है वो फर्दर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये मोटा मोटा था उसका 6th सबसेक्शन, 62 का सबसेक्शन नंबर 6। उसके अंदर क्या था कि वो मान लिया जाएगा कि आपका जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज। क्यों? क्योंकि देखो ऑथराइज 6 है, इशूड 5 है, अगर 2 को वो इशू शेयर कर देंगे तो आपकी 5 की पेड अप शेयर कैपिटल है वो 7 की हो जाएगी, और ऑथराइज तो 6 है तो 7 की तो हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टरेशन करना पड़ेगा। तो ये देखा था हमने कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि वो आपका इंक्रीज हो गया बाय दैट ऑर्डर। वो अलग बात है कि आपको 30 दिन के अंदर इंटीमेशन जो देनी होती है एज पर सेक्शन नंबर 64 वो तो देनी ही होगी, वो अलग चीज थी कि वो आपको देनी होगी। वो आपने 64 में देखा था कि वो 61 के ऊपर भी लगता है, 62 के ऊपर भी लगता है, तो दैट्स सेपरेट एरिया कि आपको इंटीमेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर। बट इस गवर्नमेंट के ऑर्डर से वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज मान लिया जाता है। तो इसी के ऊपर पॉइंट है कि क्या इंक्रीज हो जाएगा इन दिस केस, सच ऑर्डर हैज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, उस ऑर्डर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पेडअप शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑल। तो आप इन जनरल इसका आंसर लगाओगे ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने लिटरली वही पढ़ा हुआ है। बट सेंस ढूंढो अब इसके अंदर कि हो क्या रहा है, 5 लाख में 2 लाख रुपए का और शेयर कैपिटल आ जाएगा तो क्या पेडअप शेयर कैपिटल नहीं बढ़ेगी 7 लाख रुपए से? बिल्कुल। क्या सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी कितनी होगी, 7 लाख की हो गई जी। क्या ऑथराइज भी कितनी हो गई, 7 लाख की, वो भी हो गई। तो कहीं ना कहीं तीनों कैपिटल बढ़ रही है एक साथ। सिर्फ ऑथराइज को आप अगर आंसर करते हो, अगर सपोज ए और बी टाइप का ऑप्शन ही नहीं होता तो ऑथराइज परफेक्ट आंसर था, लेकिन अगर इस टाइप का आंसर है तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो परफेक्ट आंसर है इस केस। ठीक है, तो ध्यान देते हुए आपको करना है, गलती नहीं होनी चाहिए, सेक्शन का रेलेवेंस आपके दिमाग में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आता है, अ कंपनी बॉट बैक 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन मार्च 2020, इट वांट्स टू बाय बैक फर्दर 10% ऑफ इक्विटी शेयर। 10% कर रही है, 10% और करना चाहती है। मार्च 2020 में कर लिया, अब अप्रैल 2020 में करना चाहती है। तो मार्च 2020 एक साल खत्म हुआ, अप्रैल 2020 एक नया साल आ गया। नाउ इट कैन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन, कह रहा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया मैक्सिमम बायबैक जो होता है वो 25% होता है, तो 10-10-20 ही कर रहे हैं, तो पॉसिबल है। नेक्स्ट कहता है इट कांट बिकॉज देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ 12 मंथ्स बिटवीन टू बायबैक, कह रहा है 12 महीने का गैप होना चाहिए। ऐसा था 12 महीने का या एक साल का था, ध्यान करो। इट कैन बायबैक, इट विल हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन प्लेस ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, कह रहा है भैया बोर्ड रेजोल्यूशन काम नहीं चलेगा क्योंकि 10% से ऊपर चला गया, तो आपने पढ़ा था 10% से ऊपर जाएगा तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन के बदले स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, तो कह रहा है कर सकता है जी। अगला कह रहा है इट कांट बिकॉज अदर कंडीशन माइट नॉट हैव बीन फुलफिल्ड, कह रहा है और कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, नहीं कर सकता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देखा था कि भैया 12 महीने का गैप होना चाहिए, एक बार आपका बायबैक खत्म हुआ, खत्म होने के बाद 12 महीने बीत जाने चाहिए उसके क्लोजर के बाद से, उसके बाद ही जाके आप दूसरा बायबैक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो बेस्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन, फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू। मुझे बहुत कम उम्मीद है कि आप सही आंसर बताओगे, ध्यान से सुनो जरा। कह रहा फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू, कहीं ना कहीं फॉल्स की बात कर रहा है। लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू मतलब फॉल्स की बात कर रहा है। पहला, एनबीएफसी को जो है वो डीआरआर बनाना पड़ता है 25%, एनबीएफसी की 25% का बिल्कुल सही है, ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। एट कंपनी शुड मेक डीआरआर 25% फॉर एनी अलॉटमेंट डिवेंचर, कंपनी के लिए 25% था। डीआरआर शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ओनली, ये भी सही कह रहा है कि डीआरआर उसी प्रॉफिट से यूज करेंगे जो फ्रीली अवेलेबल है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो तीनों पॉइंट सही कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, सारे सही हो जाएंगे। तो फॉल्स पूछा था, ध्यान दो। क्या ध्यान देने वाली बात है कि जब आपने एनबीएफसी में देखा था तो एनबीएफसी में आपने क्या देखा था कि पब्लिक इशू के लिए 20% था लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए नहीं था, निल। कंपनी के लिए क्या देखा था आपने, दोनों सिनेरियो में 25% था और प्रॉफिट वाली बात तो सही कह रहा है। तो पहला पॉइंट फिर से पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, एनबीएफसी शुड मेक अ डीआरआर इक्वल टू 25%, परफेक्ट है, फॉर एनी अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। क्या एनी अलॉटमेंट हो जाएगा या फिर ओनली सिर्फ पब्लिक इशू होगा? तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इशू होगा। अगर एनी अलॉटमेंट वर्ड कहना था तो ये अपने आप में क्या हो गया, लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू, मतलब इसमें कुछ गलत भी है कुछ सही भी है, तो कहीं ना कहीं पूरा सही नहीं है कथन, बाकी सारे कथन पूरे पूरे सही है। तो आंसर इज ए, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। चलिए, तो होपफुली आपको काफी चीजें क्लियर हुई, काफी चीजें रिवाइज हुई होंगी पीछे की। तो ये एमसीक्यू और जो केस स्टडीज का पार्ट होता है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका पूरा चैप्टर एक तरीके से आपकी आंखों के सामने गुजर जाए दोबारा से।